एक समय की बात है, एक झोपड़पट्टी में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह जंगल में लकड़ियां काट काट के अपना पेट भरता था। उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। एक दिन उसे एक मुर्गी मिलती है। वह उसे अपने घर लाकर उसका अच्छे से पालन पोषण करता है। फिर कुछ महीनों बाद उस मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। वह किसान उस अंडे को देखकर एकदम से चौंक गया। उसने वह अंडे को अच्छे से परखा। उसे पता चला कि हाँ, ये तो सच में सोने का है। वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से जाकर उसे एक जौहरी की दुकान पर बेचकर आया। अंडे को बेचकर किसान को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। पैसे देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ऐसे ही हर 2-3 महीने में वह मुर्गी एक अंडा देती थी। वह सोने का ही होता था। ऐसा करते करते किसान के पास बहुत सारा धन आ जाता है। ऐसे ही देखते किसान बहुत ही ज्यादा लालची होता जाता है। और एक दिन उसे ख्याल आता है कि क्यों ना वह इस मुर्गी को एक ही बार में मारकर इसके अंदर से सारे अंडे निकाल ले और उसे एक ही बार में जौहरी के पास बेचकर सारे पैसे कमा ले। ऐसा ख्याल आते ही वह मुर्गी एक जगह पर बैठी हुई थी। वह किसान वहां पे जाकर उसको उठाकर अपने रसोई घर में ले आया और एक चाकू से उसे मार दिया। फिर वह उसके अंदर झांकने लगा और सोने के अंडे ढूंढने लगा। वहां उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसका लाल लाल मांस था। यह देखकर किसान अपना सिर पकड़कर रोने लग गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही बुरी बला है। जितना हमें भगवान ने दिया है